एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज आश्रम के 2 सीजन्स ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं और अब आश्रम के फैंस को सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार है। पहला सीजन लोगों ने काफी पसंद किया था और दूसरे सीजन से भी लोगों को वैसी ही उम्मीदें थी। पहले सीजन में धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ की कहानी दिखाई गई थी। कहानी इतनी प्रभावी थी कि इसने सभी का दिल जीत लिया था और समाज के दूसरे पहलू को लोगों के सामने पेश किया था। ऑडियंस आश्रम के दूसरे सीजन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका ये इंतजार सफल साबित नहीं हुआ। सीरीज खींचती हुई नजर आई और ऐसा लगा मानो पहले सीजन में ही पूरी कहानी दिखाई जा सकती थी, लेकिन फिर भी इसे दूसरे सीजन के लिए खींचा गया। आश्रम के दूसरे सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला के आश्रम में आपराधिक घटनाओं को बढ़ते हुए दिखाया गया है। सीजन 2 में नशे की बढ़ती खपत, लोगों का शोषण और बाबा निराला का और भी पावरफुल होना दिखाया गया है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि इसी पर पूरा फोकस किया गया था, लेकिन इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि ये बहुत ही स्लो था। इनफैक्ट इसी वजह से एक वक्त के बाद ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खोने लगती है। सीजन 2 का अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां काफी कुछ अधूरा रह जाता है, यानी कि सभी सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। इसलिए अब फैन सीजन 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आश्रम का पार्ट 3 पहले आए दोनों सीजन से ज्यादा मजेदार होगा और इसमें सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस जैसे वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो किसी भी सीरीज को हिट करने के लिए सफिशियंट होती है। आश्रम 3 में आगे क्या होगा इसे लेकर फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और इस बात को ध्यान रखते हुए प्रकाश झा ने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हालात सही रहे तो मार्च अप्रैल 2021 में सीजन 3 की शूटिंग शुरू होगी। भले ही आश्रम 3 पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इस वेब सीरीज के तीसरे पार्ट को लेकर जो जानकारियां लीक हुई है उससे पता चलता है कि सीजन 3 ऑडियंस को रिकॉर्ड लेवल पर अट्रैक्ट करेगा। माना जा रहा है कि यही वो सीजन होगा जिसमें काशीपुर वाले बाबा निराला यानी कि बॉबी देवल का भंडाफोड़ होगा और वे सलाखों के पीछे जाएंगे। साथ ही इस सीजन में काशीपुर वाले बाबा निराला की दुनिया की सच्चाई भी ऑडियंस को पता चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीजन 3 अगस्त 2021 में OTT प्लेटफॉर्म MX Player पर रिलीज